प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर ट्रेडोस भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ट्रेडोस का गुजराती में नामकरण भी कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि WHO के डायरेक्टर डॉक्टर ट्रेडोस मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वह मुझे बता रहे थे कि उन्हें भारत के टीचर ने पढ़ाया है। आज डॉक्टर ट्रेडोस ये कह रहे थे कि मैं पक्का गुजराती हो गया हूँ, मेरा कोई गुजराती नाम रख दो, आज से मैं अपने दोस्त का नाम तुलसी भाई रखता हूँ। PM ने आगे यह भी कहा कि जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रहा है, इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत जाने में सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत के स्टार्टअप्स का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न का दौर है। वर्ष 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप्स भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभवों, ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ाना चाहता है। हमारी विरासत मानवता के लिए विरासत की तरह है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, सर्वे संतु निरामया, यही तो हमारा जीवन का मंत्र है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।